गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खुशबाश है, आई एम श्योर खुशबाश ही होंगे। एक नया शो, लेकिन नया शो तो है, लेकिन आज का शो बहुत खास है। खास क्यों, ये भी आप लोग जानते हैं कि आज का शो खास क्यों है, कि आज हमारे साल 2020 का फाइनली लास्ट डीजे है। यार आज लास्ट डे है पूरे साल का। मिक्स फीलिंग्स है, खुशी का एहसास भी है कि कल हम नए साल में एंटर हो जाएंगे। दुख इस बात का कि मैं कहीं बाहर नहीं गया इस दफा नए साल पे। दो तीन साल से मैं बाहर ही था, दुबई टर्की, लेकिन इस साल हम कहीं नहीं जा रहे क्योंकि वी हैव टू बी सेफ। SOPs सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर यू नो कि फ्लाइट में मेरे बहुत से दोस्त अभी ट्रेवल किए हैं बाहर, और वहाँ जाते ही वो कोविड पॉजिटिव हो गए। तो लेट्स ट्राई टू बी सेफ। पाकिस्तान में इंजॉय करते हैं फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और इस साल को विदा करते हैं पूरे शान और मान के साथ, लेकिन इस दुआ के साथ कि COVID-19 जैसा जो बला है वो जो लास्ट ईयर हमारे सर पर सवार, इस साल बल्कि मैं कह रहा हूँ सर पर सवार हुई, वो अब अगले साल इंशाल्लाह विद इन 1-2 months आफ्टर द इंजेक्शन खत्म हो जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन एनीवेज जनाब, आके शो को पॉजिटिव वाइब्स पे ऑन करता हूँ मैं। 31 दिसंबर, आज की शाम, आज की सुबह, आज की रात सब खास होंगी कि आज है आखिरी दिन साल का और हमारे गेस्ट भी कुछ खास होने चाहिए। आज मैंने जो पहला आपका घंटा है वो कुछ खूबसूरती से सजा दिया है। आई थॉट कुछ गुड लुकिंग लोग आने चाहिए यहाँ पे जो कि मिल के विदा करें हमारे साथ इस साल को। हमारी बहुत आला आला पाए की मैं कहता हूँ ना कि इंसान, पहले तो जबरदस्त ह्यूमन बींग, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट अ नेचर शी हैज, यू डोंट नो, यू कांट इमेजिन। शी इज अ प्योर साइन और सिंबल ऑफ एलिगेंसी, कर्टिसी एंड आलानेस। माय गॉड, क्या अल्फाज यूज करूं मैं इनके लिए। आला टीचर तो है ही हैं वो, लेकिन इन्फ्लुएंसर, ब्लॉग और बहुत कुछ कर रही हैं जिंदगी में, बहुत से काम पे बिलीव करती हैं। एंड शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एज यूजुअल। जिस महफिल में ये आती हैं उसकी जान बन जाती है। कुछ तो होगा इनमें ऐसा जो इनको जान बनाता है उस महफिल की। और आज 20 साल के आखिरी दिन के इस शो के पहले हाफ में आज के इस जंग की शायद जान बनने वाली है, यकीनन जान बनने वाली है। Let's invite the very beautiful कायनात मलिक। अस्सलाम वालेकुम। हाय कायनात, वेलकम अबोर्ड। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर दिस वार्म वेलकम। देखिए मैं अल्फाज कम पड़े थे, तो ये अल्फाज मैं क्या यूज करूँ कि मैं आपसे इंसाफ कर दूँ। कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग मी जैजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और आज आप वाकई सही तैयार होके आई हैं इस साल को विदा करने के लिए। साल खत्म हो रहा है ना जैजी, आज नहीं सजना तो कब सजना। इतना अच्छा कैसे बोल लेती है मैडम? जैसी बस ये ना, जब मुझे अच्छे लोगों में डाल दें, अच्छे लोगों की इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ऐसी होती है कि बस। नहीं पता क्या नाज़िम, मैं आज सबके सामने ये बात करूंगा कि हम भी लोगों से डेली मिलते हैं, गेस्ट भी तो खैर हैं, लेकिन फ्रेंड्स फैमिलीज यहाँ वहाँ, लेकिन मैंने कायनात आप जैसे लोग बहुत कम देखे। यू आर सच अ कर्टियस सोल, और इवन वन ऑफ दोज पीपल जिनका मैं ऑडियो मैसेज सुनना पसंद करता हूँ। जो आवाज जब आती है ना, हेलो सर, वही दिन बन जाता है आपका। वेलकम अबोर्ड ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और आज हम बातें करेंगे बहुत सारी इस साल के हवाले से। आपको एडवांस में वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आने का, टाइम देने के लिए। जनाब आपको मिलवाते हैं एक हैंडसम हंक से, एक डूड है वो, टू रूल योर हार्ट्स गर्ल्स, लेट्स गेट रेडी फॉर हिम राइट, बिकॉज ही इज हियर टू रूल द एरिना ऑफ शोबिज। एक अमेजिंग मॉडल से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको, और बहुत जल्द वो अपना एक्टिंग का भी डेब्यू करने वाले हैं। सो ऑल यू गेट सेट रेडी फॉर एन अमेजिंग डेब्यू। यस, बहुत आला भाई का काम कर रहा है ये लड़का। ही बिलीव्स इन क्वालिटी वर्क, डेडिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ वर्क, और गुड लुक्स हो एंड ही हैज दैट थिंग, उनको बोलना बहुत अच्छा आता है। अक्सर गुड लुकिंग जो लड़के हैं कायनात तक अक्सर बोल नहीं पाते हैं वो बेचारे, लेकिन ही एक्सेल्स इन एवरीथिंग। So producers, directors, and everyone, get your attention here. We have to present to you the dude of the year, Adil Majeed. Assalamualaikum. Thank you so much. कैसे हैं आप? Assalam. बिल्कुल ठीक ठाक. सही कहा ना? बहुत बहुत शुक्रिया. Future आपका है अब Adil. Don't worry. मैं तो ये जी. कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसी? साथ बैठिए कायनात, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. हाँ जी. कायनात से मेरा पहले भी है. Exactly. हाँ जी, exactly. और आप भी मानेंगे मैं जो बात की सच की थी ना? बिल्कुल ठीक किया आपने. Word to word. I agree to it. क्यों ऐसे ये? She's very well spoken, बड़ा अच्छा बोलती हैं। ये बहुत बोलना तो बहुत लोगों को आता होगा,
लेकिन उसको सही तरह से बोलना, exactly. उसको इतने प्यार के लहजे से बोलना, I'm having the best new year. मेरी तारीफ करते तारीफ कर रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं हम सारे. बिल्कुल ऐसे ही. So, Adil, welcome aboard. Thank you so much. और अच्छा लग रहा है, अच्छा वार्म वेलकम. नहीं नहीं, थैंक यू. और मजा आने वाला है आपको. बिल्कुल एग्जैक्ट. बिकॉज आज यहाँ खाबा भी आने वाला है. अच्छा, भी कुछ खोना चाहिए, हल्ला गुल्ला खाना भी होना चाहिए आज, है ना, जरूरी है. सो जनाब, एक हमारे दोस्त से मिलवाते हैं, पहले भी आया लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए. आई थॉट के इनका आना बनता है, ही डिजर्व्स अ फुल शो विद अस बिकॉज़ सच अ फैबुलस वॉइस. पेरिस से आया हमारा दोस्त, दोस्त को सलाम करो. और एक अमेजिंग पाकिस्तानी सिंगर जो बहुत अच्छा गाते हैं, दिल से गा लेते हैं, कमाल करते हैं, और सातों सुर के ज्ञानी हैं वो. सारे कामा से स्टार्ट करें तो एंड तक जाते हैं और सही फ्लॉलेस सिंगर हैं ये. कूल वॉइस, आला पिच, नाम बन जाता है जफर इकबाल, जो कि लैंड किए हैं सीधा पेरिस से पाकिस्तान में और बहुत सारे नए गाने लेकर आ रहे हैं. सही, उनको वेलकम करते हैं आज के शो में. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. कैसे आप? थैंक यू वेरी मच सर फॉर री खुशामदीद अगेन. दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कैसे लग रहा है आपको दोबारा? बहुत अच्छा लग रहा है सर. पहली दफा आया था, थोड़ा टाइम था. आई थॉट कि हमारा दोस्त आए हैं, उनको एक पूरा घंटा होना चाहिए उनके साथ शो का. बहुत शुक्रिया आपने दोबारा इन्वाइट किया मुझे. और आपके शो में आके पहले भी खुशी हुई, अब दोबारा खुशी मिल रही है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत शुक्रिया आने का. गाना आपको दिखाते हैं फिट किस्म का. इस साल में बहुत सारे प्यारे गाने वैसे आए हैं, लेकिन एक गाना भी हाल ही में आया, फलक का माही हुए, है ना, और बड़ा मजे का गाना है. आइए देखते हैं, वापस आते हैं तो फिर बातें करेंगे स्टार्ट गेस्ट से. साल को अनवील करते हैं, अनपैकिंग करते हैं कि आखिर जो गलतियां हमने की वो दोबारा करनी है कि नहीं करनी. मिलते हैं इस गाने के बाद. गए हम वापस. क्या गाना था यार, मजा आ गया. बहुत ही आला आवाज है फलक आपकी, छाए पड़े आप हर साल जाते हैं. कायनात 2020 और कायनात पूरा बताइए कैसा गुजरा. हाय, क्या खोया क्या पाया, हाउ डू यू जस्ट अनवील दिस? अच्छा सर, मैं ना इनफैक्ट मैं अभी आदिल को भी बता रही थी कुछ टाइम पहले कि ऑल्दो पूरी पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का ये साल बहुत लाइक कहना नहीं चाहिए बट मायूस सा साल गुजरा है. लेकिन मेरा फॉर्चुनेटली आई डोंट नो ये साल बहुत अच्छा गुजरा है. क्या हुआ? अच्छा सर, एक्चुअली मैं 2019 तक आई वॉज बिजी विथ 3 जॉब्स एट अ टाइम. तो मैंने प्लान किया हुआ था कि मैं ऑफ लूंगी थोड़ा, आई विल गो इजी ऑन माई सेल्फ 2020 में. ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ कि कोरोना आ गया. तो आई वॉज वर्किंग ऑन माई बॉडी. मैंने आपको बताया 2-3 आवर्स जिम एवरी डे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वॉज टीचिंग. ऑनलाइन टीचिंग वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस, जो वो भी मैंने बहुत इंजॉय किया. तो वो था. एंड अगेन अच्छे अच्छे लोग, फिर इवेंट्स जो स्लोली स्लोली आए उससे और अच्छे अच्छे लोग मिलते गए. बहुत ज़्यादा मेरा 2020 एक्चुअली अच्छा गया सर. आई एम हैप्पी विद 2020. बट अगेन जो लॉसेस हुए हैं इस साल उसको वन कैन नॉट फॉरगेट. एंड आई नो कि ईयर काफ़ी लोगों के लिए अच्छा इतना नहीं गुजरा. तो माय कंडोलेंसेस टू ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस इन 2020. लेकिन आई होप कि आगे आने वाला 2021 वुड बी अ मच मच हैप्पीयर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये स्टूपिड कोरोना एंड हो जाएगा. इसको एंड होना होगा. इंजेक्शंस जो हैं जल्दी से आ जाएं, ट्रायल्स खत्म हो इनके, और फिर हम इंशाल्लाह उसको लगवा के सुकून से बैठे. ऐसे ही है. देखिए पता है, एक और खतरे की घंटी बज रही है. आई डोंट वांट टू अनवील बट अनवील ये है कि कुछ नए नए स्ट्रेन भी सामने आ रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा इंजेक्शन बनाते हैं जो इन सबको काबू कर लेगा. तो अब उसकी तैयारियां हो रही है कि एक ब्रॉड इंजेक्शन आएगा जो कि अगर फर्स्ट करें 15 टाइप्स है कोरोना की तो सबको ब्लॉक कर देगा. चूंकि आदिल फर्स्ट टाइम शो में आए हैं हमारे, तो आदिल पहला सवाल बनता है आपसे. जानती है कायनात भी मेरी कहानी मेरी जुबान, सर बताओ अपने बारे में. एक्चुअली जी, मैं आई स्टार्टेड माय करियर बैक लाइक 3 इयर्स बैक. उसके बाद मैंने काम काफ़ी स्टार्ट मतलब डिफरेंट ब्रांड्स किए, काफ़ी अच्छा मतलब चल रहा है फिलहाल. और मेरा ये साल भी अच्छा गुजरा. मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया स्टोरी, मैं आऊंगा. वो कौन सी शाम थी जब ये सब स्टार्ट हुआ, ये तो बताओ ना. उनकी बात नहीं मानी संभव. फिर मुझे कोई 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और करते 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 फिर मुझे एक एजेंसी थी, मैं वहाँ पे गया, मैंने अपना ऑडिशन दिया, तो मुझे अगले दिन ही शूट मिल गया.
आई वॉज लकी इनफ कि मुझे एक दिन मैंने पहले ऑडिशन दिया, अगले दिन ही मुझे शूट मिल गया. सो वहाँ से ये मेरा सारा करियर स्टार्ट हुआ. फिर देन आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड ऑफ पाकिस्तान. मैं देखा कि आपने सारी टॉप नॉच ब्रांड्स की हैं. सारे टॉप नॉच ब्रांड्स हैं जी. दैट्स आई एम लकी इनफ. हाँ जी एग्जैक्टली बिल्कुल. ये मेरा बड़ा अच्छा एक मुझे एज मिल गया. एक बात है कि जब नया नया बंदा आता है ना फील्ड में, कायनात और जफर आप भी, कि इंसान हर चीज पकड़ने के चक्कर में होता है. हर काम तो मिल ही रहा होता है, बट आप अगर ब्रांड्स देखें, आपको पता होना चाहिए कौन सा अच्छा ब्रांड है कौन सा नहीं है. आई थिंक वो बेहतर है. और किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा कैंप पे अपने? I think mostly lot of them. I can't name any one of them, but I think सारे ही अच्छे थे. ये बड़े लाइन मशहूर है, कायनात में थक चुका हूँ इस लाइन से. सारे ही. Yeah, I really mean it. I really mean it. सबका सब खुश एक साथ. सब खुश एक साथ. नहीं नहीं, I really mean it. और किस डिजाइनर को बेस्ट कपड़े आपको लगे? कैरी किया? ये भी मैं सेम ही कहूँगा. सब भी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे. सही है, सही exactly. है. और ये साल कैसा रहा आपके लिए? साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहा. जैसे कायनात ने बोला है कि उसके लिए भी अच्छा रहा है, मेरे लिए भी समहाउ इट वाज अ गुड ईयर फॉर मी. ऑल्दो बहुत से यू नो डेथ्स हुई हैं, काफी क्योस था, अभी भी है, स्टिल इट्स गोइंग ऑन. अल्लाह ताला बेहतर करे हालात. मगर ये कि मेरे लिए अच्छा था, मुझे काम अच्छा मिला. ऑनलाइन मैंने काम किया इन दिनों में काफी, और अच्छे ब्रांड्स किए, काफी बड़े ब्रांड्स किए. और अभी रिसेंटली मेरा एक बड़ा अच्छा शूट हुआ, एक कार लॉन्च हुई है चाइनीज. हाँ मैं देखा था. एग्जैक्टली exactly, तो वो बड़ा अच्छा. हाँ जी. इतने बुरे एक्टर है, लेकिन ना वो समझते हैं कि उनसे बेस्ट दमशराज. मैं अच्छी एक्टिंग करती हूँ तो वो गेस कर लेते हैं, बट अगेन उनसे तो होती नहीं है, तो मैं जब करती हूँ तो उनसे नहीं होती. बिल्कुल सही हो जाएगी यार, डोंट वरी. हम कुछ नए मुहावरे लेके आए हैं. सर, मैंने आज से कोई 12-13 साल पहले म्यूजिक करियर स्टार्ट किया था. उस वक्त हमारी एक बैंड था पाकोस के नाम से, ठीक है. बिल्कुल बिल्कुल. तो हमने अपना सॉन्ग तेरी याद और दिल मंगदा लॉन्च किया. तो उस वक्त थोड़ी मेरी सिचुएशन, जो फैमिली सिचुएशन थी, वो मेरी फेवर में नहीं थी. मुझे सूट नहीं कर रहा था वो टाइम, वो पीरियड, क्योंकि ये जो म्यूजिक है ये फुल टाइम जॉब है, इसको आप पार्ट टाइम जॉब नहीं ले सकते. तो मैं इसको फुल टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं इंसाफ नहीं कर पा रहा था म्यूजिक के साथ. तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इसको फिलहाल क्वाइट कर दूँ, और मैं वापस चला गया फ्रांस. और मैं अच्छे वक्त का इंतजार कर रहा था. तो जिस तरह आपने कहा कि ये 2020 आपका कैसे गुजरा, इन्होंने कहा हमारे लिए अच्छा है, तो बेशक के कोविड की वजह से पूरी दुनिया डिस्टर्ब है, सब लोग डिस्टर्ब हैं, चाहे आप बिजनेस ले लें, चाहे आप स्कूल्स ले लें, यूनिवर्सिटीज ले लें, हर कोई अपनी जगह पे डिस्टर्ब चल रहा है. लेकिन मेरे लिए ये साल इसलिए अच्छा था कि मैंने दोबारा अपना करियर स्टार्ट किया 2020 में. अगस्त में मेरा पहला सॉन्ग दोबारा से आया एतबार. तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो मेरे लिए ये साल अच्छा था, क्योंकि मैंने जो एक करियर छोड़ दिया था बीच में, वो मैंने दोबारा से उसको रिस्टार्ट कर लिया 2020 में. तो मेरे लिए ये साल अच्छा गुजरा. हालांकि अगर आप ओवरऑल देखें, पूरी दुनिया की सूरत हाल देखें, तो ये 2020 जो गुजरा है वो हमने ज़िंदगी में ऐसा साल नहीं गुजारा इस तरह से, मतलब इस तरह कैद में और इस तरह की मायूस कुन सूरत हाल है पूरी दुनिया में, कि ऐसा लगता है कि रौनक चली गई है दुनिया से और दुनिया बेरंग सी हो गई है. मतलब बहुत सारे स्टोर्स ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी गलियां जो कि भरी होती थी अब वो खाली पड़ी होती हैं. ऐसे ही अब गुलबर्ग देखे हम वाला खाली पड़ा होता है, वो बात ही नहीं रही, वो बात ही नहीं हो गई है ना. सही बात है. लेकिन आई एम हैप्पी कि जो हमारे गेस्ट हैं, उन तीनों के साल ठीक रहे हैं इस साल के, है ना. आपके ख्याल में इनमें बेस्ट कौन रहा, मतलब नाम नहीं आएंगे लेकिन जस्ट एक पार्ट है, मिलकर जवाब दे सकते हैं आप. तो हु यू थिंक गाइस कि वाज द बेस्ट एक्टर पाकिस्तानी ऑफ 2020? कायनात आपकी क्या राय है? कोई भी ड्रामा फिल्म एनीथिंग. जलन ड्रामे के हीरो का क्या नाम है? इमाद. इमाद इरफानी को बेस्ट कह रही है ना. इमाद मुबारक हो आपका नाम आगे. आप बताएं आपका अपना ओपिनियन है. I think मैंने वैसे कुछ ड्रामा देखे नहीं थे. नहीं देखे तो आप पास कर सकते हैं. नोबडी शान को कहना चाहते हैं? शान तो यूनिवर्सल है. जो सबसे मुश्किल होता है मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद. बिलाल अशरफ शायद भोला का रोल किया उन्होंने. नहीं वो इमरान अशरफ इस साल का सबसे मुश्किल
और सबसे बेहतरीन रोल उन्होंने अदा किया है। वैसे उनको भी हाल ही में अवार्ड भी दिए लक्स स्टाइल ने, बेस्ट एक्टर जी हैं। वेरी गुड, वो एक्टर बड़े लकी होते हैं जिनको उनके रोल की वजह से पहचाना जाता है। या तो उनमें से वो एक। और अगर हम बात करें हसीनाओं की, तो हसीनाओं का बताइए कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी रही इस साल की? बेस्ट एक्ट्रेस So I think again, मिनाल मिनाल हाँ जी, क्योंकि एक बात मानो कि कायनात के मिनाल को फायदा कितना वही एमन के शादी करने का। दोनों बहनें आला हैं। आपकी क्या राय? I think मिनाल 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 आपकी choices काफी अच्छा जाएगा। मतलब आप साल मिलाया मिनाल के ही रहा है। चलो सारे मिनाल में शुरू हो जाओ। अब इंटर स्टार्ट करूंगा। बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान। राहत फतेह अली खान। राहत छाए हो रहे पूरे साल कॉन्सर्ट्स करते रहे। ओएसटी दे दी है ड्रामोस में, सारे के सारे सुपर हिट गए और वो अलग बात है कॉन्सर्ट्स महंगे बहुत है उनके, लेकिन करते रहे। आप बताइए। मेरे फेवरेट आतिफ। नाइस। पता ये दो नाम ऐसे हैं जो छाए रहे हैं, आतिफ और राहत। चाहिए कोई काम ना भी करे ना पूरे साल तो कॉन्सर्ट इतने हैं कि वो मजा आ जाता है। आप? आई थिंक मेरे लिए वैसे तो इस साल के लिए स्पेसिफिकली आई गो फॉर फलक। वैसे हाँ शादी भी कर ली इसलिए, और वैसे भी उन्होंने बड़ा अच्छा सॉन्ग अभी जो लेटेस्ट आया था, आई थिंक इट्स वेरी गुड वन। ठीक है ठीक है। ओवरऑल वैसे आतिफ असलम। ओके। बेस्ट पॉलिटिशियन। दैट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन। मैंने बहुत अच्छा आपको इंस्पायर किया इस साल। मेरे तो एक ही है, आप बताइए। मुझे आई लाइक मरियम नवाज। आई लाइक इमरान खान, द वे ही टॉक्स, द वे ही डिलीवर्स एवरीथिंग। मेरा ख्याल से ही हैज द करिश्मा ऑफ यू नो। तब्दीली आ गई 2020 में। आप? मगर वो उनकी एक है कि he can deliver. Yeah. He has those qualities. ठीक है, done हो गया. Best fashion icon, आपसे start करेंगे. Fashion icon in a terms of modeling or मतलब overall एक fashion का symbol, model हो सकता है, कुछ हो सकता है. I always like HSY. HSY. Oh my god, yeah, good choice, boy. Yeah. Nice. मुझे भी HSY कोई और नाम सामने नहीं आ रहा। You're right, guys. अगर आप in terms of brand कह रहे हैं तो HSY, और अगर आप किसी personality को तो जितना groom फलक शबीर ने किया आपने आपको। फलक लगता है बहुत, आप मतलब फलक को हो रहे हैं फैन, अच्छी बात है। मतलब अगर personally आप किसी को nominate करना चाहें तो मैं फलक को करूँ। Okay, a model of the year, male or female, anyone? Model of the year, सारा खान। सारा खान को एक्ट्रेस भी कह लो। भी वो मॉडलिंग भी कहते हैं। चले हाँ, लाजवाब किया मुझे ना। He's right. आप बताइए। अपने आप को बोलूंगा कितने क्लैप बनती है ना। तो बाकी आदिल फ्यूचर आपका इंशाल्लाह होने वाला बहुत ब्राइट है, आई एम श्योर यू विल रॉक बिग टाइम। अब चॉइस क्या है वैसे मॉडल इस साल बेस्ट कौन रहा? आई थिंक अभी कुछ शोज नहीं हुए, पीएफसी भी नहीं हुआ, हम कभी नहीं हुआ। छाया रहा लड़का, छाया रहा काफी हैं उनमें से। I can't name. मेरी choices भी शहजाद नूर, हसनैन लहरी। हसनैन लहरी is always काफी अच्छा। उमर शहजाद तो also good. उमर शहजाद भी also. लड़कियों में ज़ारा आबिद was very nice, but she was very nice, no doubt. और उसके अलावा we worked together in last PFDC. हाँ हाँ। तो उसके लिए बड़ा मतलब yes. और आपको choice आदिल ही हैं बस। ठीक है डन। क्यों नाम लेना चाहती हैं? सर females में कोई बता दे। नहीं बता दे। ठीक है डन होगा। बेस्ट ड्रामा, एनी आइडिया? जलन ही कहीं लगता है, जलन लगता है आपको? जलन 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 was all the way। वैसे आजकल ड्रामा जब देख रहे हो फितरत? सर फितरत मेरी मदर का फेवरेट है, और मामा ऐसे देख रहे होते हैं कि हम खाना साथ खाते हैं बैठ के उसके। अच्छा, प्योर एडिक्शन चल रही है। हां जी भाई, उसने बहन को अगवा किया हुआ था आजकल, उसकी जो बहन को वो बड़ा एक टेंशन का दौर चल रहा था। हम जी जी, वो वापस कब आएगी? आप मानेंगी
नाज़रीन कि मैं इतना एंथुसियास्टिक हूं कि इसके सारे दोस्त ही हैं, तो आई टेक्स्टेड अली अब्बास एंड ऑल द फ्रेंड्स कि मुझे बता दो ये मरेगी तो नहीं ना, तो नहीं मरेगी नहीं चैलेंज करो फिर ठीक है, क्योंकि ड्रामों का इतना होता है इम्पैक्ट। जनाब बहुत मजा आ रहा है शो का, अभी हम एक गेम पे जाएंगे और गेम के बाद ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो यहाँ पर हमें हमारे शेफ ज्वाइन करेंगे जो कुछ खाना लेकर आए हैं हमारे लिए, क्योंकि खास मौके हैं, खानों का मौसम है, सर्दियां हैं, इतना कुछ खा रहे हैं हम लोग आजकल, तो साथ साथ के आज कुछ होना चाहिए खास। अब वो क्या लाए, एक डिजर्ट उनके पास है, एक उनके पास रेगुलर मेन कोर्स है, वो क्या है वो सरप्राइज रखते हैं। लेकिन फिलहाल तैयार है आप? तैयारी पूरी की थी वैसे आपने, है ना? मैंने तो प्रैक्टिस और आपने कर ही लोगे। चलो सही है, टीम भी आप अकेले हो लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा टोन पर, और आप दोनों। सो स्टार्ट करते हैं आला, चलिए दिखाते हैं इनको पहले। आपने होमवर्क किया, आपने मुहावरे बदल दिए। आई थिंक यू कैन डू दिस टाइम। मुहावरे कुछ चेंज कर दिए हैं इस दफा। चलिए आप लास्ट टाइम इजी थे। अच्छा आई कैन मैंने हर हफ्ते हेल्प यू इन दैट चेंज। हां एक मुहावरा है एक जानवर के बारे में। जानवर कब नहीं जानवर कौन सा जो चलता है इससे जानवर पानी में हां मछली हाँ एग्जैक्टली exactly. इसी से मुहावरा है एक मछली पूरे एग्जैक्टली क्या बात है। सांड नो पानी बैल गाय घोड़ा सुपर से बहुत ऊपर है। ब्लैक कलर में भैंस भैंस के आगे भैंस बजाय बीन भैंस के आगे बीन बजाना मान लेते हैं ठीक है। वेल डन आई एम बैड एट मुहावरास बट इसकी एक्टिंग कौन करेगा। एक और जान मैं हूँ मैं ही करूँगा। बंदर खाने के लिए एक चीज बंदर बंदर एक ही मुहावरा मशहूर है बंदर क्या जाने अदरक ग्रेट नाइस भाई फ्रांस में रहकर मैं आपको भूली नहीं अपनी उर्दू और मुहावरे नाइस हो गया चलेगी आपको रिलेटिवली इजी वन दिस इज अंडा अंडा अंधा क्या जाने नहीं 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 अंधा हाँ करें आगे करें अंधा क्या चाहे अंधा क्या चाहे आगे नहीं ये नहीं आगे अगला अंधा आंखें क्या कुछ करना करीब करीब ही है देखिए मैम हाँ ये अंधा आंखें अंधा क्या चाहे क्या चाहे दो आंखें दो आंखें मान लेते हैं मान लिया हो गया हमारा हाँ ये भी है गाय नहीं वही स्पीशी है अच्छा बकरा छोटी बकरा बकरा बकरी छोटी बकरी की माँ कब तक परफेक्ट परफेक्ट यार लास्ट मुहावरा मैंने बिजली जो तूफान नहीं ये लोगों की बात हो रही लोगों की बात हो रही है ऐसे लोग जो ज्यादा बातें करते हैं मुहावरा सोचे आप ज्यादा कुछ आसमान से रिलेट करें बादल आसमानी बिजली ओह गॉड वी आर बैड एट आसमानी बिजली लोगों सोचे ना तो क्या और पहला गाना हो जाए जफर के हम जाएंगे ब्रेक वापस आएंगे तो यहाँ पर शेफ होंगे और मजे की बातें होंगी मजे का खाना होगा लेट्स गो टू द सॉन्ग आइए जी Thank you.
बात है जनाब, नया साल आने वाला है, चंद ही घंटे, आई मीन चंद ही कहना चाहिए, जाहिर है एक दिन रह गया, अब तो क्या रह गया पीछे। और रात 12 बजे क्या प्लान्स किए हैं भाई आपने, कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ खाना खास घर में बन रहा होगा, रिश्तेदार मिल रहे होंगे आई एम श्योर। और जब खुशबू क्यों आ रही है खानों की है ना, अच्छी खुशबू आ रही है आपको, आ रही है। सो जनाब सुबह का वक्त है और हम अब लंच की तैयारी करने वाले हैं, तो आई थॉट कि कुछ खाना मंगवाया जाए, हमारे गेस्ट आए हैं और आज खास दिन है तो हमने इनवाइट किया हमारे बहुत ही यंग से क्यूट से शेफ हैं शानी। और शानी जो है वो बहुत ही ट्रू किस्म का लड़का जो दीवाना है खानों का, और उसका ये है मंत्रा कि मैंने खाने अच्छे बनाने हैं। तो आइए जरा शानी से उनकी स्टोरी जानते हैं कि शानी आज किन वाइब्स के साथ एंटर हुए हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम शानी, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे लग रहे हो क्यूट से खाने के साथ, है ना, खाने का क्यूट लग रहा है। तो बताओ अपने बारे में नाज़रीन को कि कैसे शानी इस फील्ड में आया शेफ की। मुझे बचपन से शौक था, व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड, तो मैंने तभी से अपना मतलब खाना बनाना शुरू कर दिया। साल के बाद में आप अब कितने साल के? 23। चलो लगता नहीं, लगता 20-19 साल का लड़का है। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद मैं जब छोटा था ब्रेकफास्ट बना लेना घर के लिए, मतलब सिस्टर्स को ब्रेकफास्ट देना और मामा की हेल्प कर दी, ये होता और है। कोई भी ओकेजन आया तो मैंने भाग भाग के सबके साथ काम करवाने, और इवन मैं बाहर भी जाता था तो बाहर भी कोई कुकिंग करता था, जिस तरह लाइव सेगमेंट्स होते हैं लोग लाइव कुकिंग करते हैं, तो वो मैं वीडियोस बना बना के अपने पास रखता था, फिर वो घर में ट्राई करता था। बहुत तो फिर मैंने, फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, फैमिली वालों ने मोटिवेट किया आपका टेस्ट अच्छा है ये वो, तो फिर मैंने कहा कि ना प्रॉपर कोर्स किया जाए, तो मैंने 5-स्टार इंस्टीट्यूट से जो है फूड प्रोफेशन करने के आज का कोर्स किया। फिर उसके बाद मैंने अपना आज आप जैसी की शो में आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ये बहुत अच्छा लड़का है, यंग है, एंथुसियास्टिक है, थॉट के टैलेंट को सामने आना चाहिए। सो आज बताओ कि हमारे इतने अच्छे गेस्ट आए हैं फ्रांस से, देखे लोग आ गए यहाँ पे खाने खाएंगे वो आज यहाँ पे, और प्लस कायनात है, आदिल है, तो क्या खिला रहे हैं उनको? मेन कोर्स क्या है? मेन कोर्स में चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्के पहले रेडी होते हैं, उसके बाद फिर राइस को बॉयल करके फिर उसके बाद जो है हम उसको चावलों का दम लगाते हैं, उसी तरह से जिस तरह हम सबसे पहले हम टिक्के बनाएंगे उसको हम बना के साइड पे रख लेंगे, फिर उसके बाद जिस तरह हम नॉर्मल मसाला बनाते हैं प्याज टमाटर का, उसमें वो मसाला बना के फिर हमने उसमें अंदर टिक्के ऐड करने और फिर बॉयल्ड राइस को हमने कवर कर देना उससे, और फिर 15 मिनट के लिए उसको दम लगा दो। तो ये स्पाइसी होगी, थोड़ी कम स्पाइसी? नहीं, ये नॉर्मल बिरयानी होती है स्पाइसी, हाँ वो भी तो है, होने चाहिए ना। बिल्कुल, साथ में सैलेड वगैरह भी साथ होगा, तड़का लगा हुआ है। बिल्कुल, आगे सर्व तो करवाओ ना, दूसरा मेरा है डिजर्ट। इस तरह से बनते हैं कि बैटर होता है उसका, एक बहुत से लोग करते हैं कि वो आटा वगैरह गूंद के तो उसको वो बनाते हैं, लेकिन उस तरह से ठीक नहीं बनते हैं। आपने लेना, मैं एक कप की क्वांटिटी बता देता हूँ, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी जो है वो बढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले आपने एक कप मैदा लेना है, उसके अंदर आपने डालना है 1/2 कप मेल्टेड बटर, 1 अंडा और 1/2 कप वार्म मतलब नीम गरम दूध कह लें, उसके अंदर डाल के आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने उसमें आइसिंग शुगर ऐड करनी है। आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद आपने उसका एक बैटर बनाना है कि वो रनिंग बैटर हो, लाइक आप जब चम्मच उठाएं तो वो चम्मच से नीचे गिर रहा हो, एक रनिंग बैटर। तो उसके बाद आप फ्राइंग पैन लें, उसको अच्छे से ग्रीस करें विद बटर या ऑयल या घी वगैरह जो भी लगाना है, इसको ग्रीस कर लें, उसके बाद आप उसको डालें ऊपर से पैन को फ्लिप करें, उसको कवर कर दें और फिर 2 मिनट के बाद आप उसको निकाल दें। द बेस्ट थिंग इसके जो, ओ माय गॉड, डिजर्ट की खुशबू क्या जानलेवा होती है। वैसे हमारे यहाँ पे बैठे हैं हमारे जो आदिल हैं वो यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर भी हैं। आदिल, डिजर्ट्स जो हैं ये तो कैलोरी कभी कभार आई थिंक चीट डे पे आप खा सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच, प्लीज। सो बट वन हैज टू बी यू नो get away from such things, but kabhi kabhar it's okay. Chup karo, bahut acha homemade chocolates hote hain, acha, that's nice, we have it, bahut mazaa ka. Thank you so much, thank you, yummy hai na, yummy than yummy, aa gaye aap shani, bahut acha shani, thank you so much, bahut mazaa ka lag raha hai. Theek hai, dekhne aaja, let's show the unveiling of this one. Amazing, the guy is young, hard worker और प्योर परफेक्शन से उन्होंने ये बनाया है, और मुझे यू नो हमें फख्र है कि पाकिस्तान की यही खूबी है, टैलेंट भरा हुआ है इस मुल्क में, जब उसको थोड़ा अनवील करना होता है, और ये लड़का हमारा ऐसा है। आई एम सो हैप्पी टू सी हिम ऑन द शो।
सुबह पर आते रहना खानों के साथ, शाबाश बहुत आला, लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग। बताया कोई पैगाम दो, आपके घर वाले देख रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स फैमिली, कुछ पैगाम दो आप आए हो टीवी पे आज। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आज मतलब छोटी छोटी मतलब सक्सेस की तरफ जा रहा हूं। इंशाल्लाह। हां, तो उसके बाद मेरे मॉम डैड, उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ, और फैमिली वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इवन ये होता था कि लोग कहते थे कि नहीं कुकिंग की तरफ नहीं जाना, ये लड़कों का प्रोफेशन नहीं है, ये वो ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं जाना चाहिए और जो भी टैलेंट है आपको दिखाना चाहिए। बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जनाब। वापस अभी जाए, अभी ऐसे कहते हैं अभी कुछ खा लेते हैं ना, हाँ कुछ खाते हैं, ब्रेक पे लेते हैं, वापस आएंगे तो फिर गाना फिर से होगा, गेम्स होंगे, एंजॉय करेंगे, जब जैज़ी बोलता है आप सब साथ होते हैं, साथ में जाना कहीं नहीं, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, आते हैं। वापस आ गए, साल का आखिरी शो करने का मुझे एक ऑनर मिल रहा है चैनल पे, मुझे और क्या चाहिए। आई एम फीलिंग एक्साइटेड, आई एम फीलिंग हैप्पी, क्योंकि आज यहाँ पर वेरिएबल चैटिंग गेस्ट हमने इनवाइट किए हैं, हमारा जो पहला घंटा चल रहा है उसमें कुछ खाना शाना खाया। हाउ इज द फूड बाय द वे? जनाब रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करेंगे, साल का आखिरी रैपिड फायर राउंड, ओ माय गॉड अब क्या बनेगा। एनीवे स्टार्ट करेंगे, आप तीनों से बारी बारी क्वेश्चंस करेंगे, शर्त ये है कि आपने ठक ठक जवाब देने हैं, ठीक है। सो व्हाट इज योर बेस्ट फीचर? गुड क्वेश्चन एक्चुअली। माय बेस्ट फीचर माय हंबलनेस। नाइस, यस। इफ यू कुड स्विम इन एनी लिक्विड, ओके, तो कौन सा लिक्विड होता एंड व्हाई? परफ्यूम। परफ्यूम, यस, आई लव परफ्यूम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। व्हाट इज द सॉन्ग, देखिए अब बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, what is the song you hear most often these days? Wohi wala abhi aajkal? Ha, main aajkal apna hi sunta hu. Acha, sahi hai, sahi, bilkul theek hai. If you were a superhero, kaun si power lena chahti? Flying. I would love to fly. sahi hai, bilkul theek hai. One food you wouldn't ever give up? Sushi. Really? Yeah, I love sushi. Sauces mazay ki hoti hai waise. I love the sauces more than sushi, pata nahi kyun. गरीबों के लिए कुछ करूंगा। I think I might sound crazy for saying this, but Titanic era. Ah, I don't know. I'm fascinated with Titanic. My heart will go on and on and on. सही बात है, बिल्कुल ठीक है. Your cartoon, your favorite cartoon show you saw growing up? Tom and Jerry. Always favorite. कमाल था, है ना? हाँ, exactly. सही बात है. Morning, noon or night? Morning. Nice. Your dream car? My dream car? Oh God, I am. उस दिन की आप पेरिस आएंगे तो आप आपके पोस्ट बनेंगे खूबसूरत हिस्ट्री देखनी है तो आपको पेरिस। पेरिस, मुझे बताओ कि योर फेवरेट बुक स्टूडेंट लास्ट टाइम? मैंने इमरान खान। ओके, नाइस, बहुत बता रहे हैं। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10
हाउ कूल आर यू, तीनों जाएंगे जवाब। ये नॉर्मली ये क्वेश्चन दूसरे से पूछना चाहिए इनके लिए। बताइए ना 1 to 10 आप कितने कूल हैं, आप तो 100% है। हां 100% या शी इज 10 आउट ऑफ 10 या या फॉर श्योर। पर आप I think 8 ओके एंड यू? मैं ज्यादा बड़ा बोल नहीं करूंगा, 5 दूंगा अपने आप। 5 जबरदस्त है, बिल्कुल ठीक है। टाइम से भागते हैं तो अच्छे लोग बैठते हैं, क्या हो जाता है। लेकिन लेट्स आस्क द रेजोल्यूशंस ऑफ 2021। इस साल की तो हम बातें कर रहे हैं लेकिन हमें ये भी तो जानना है, हमें उम्मीद के साथ दाखिल होना है अगले साल में। सो क्या ऐसा एक काम है जो आप करने चाहते हैं, आप तो अगले साल करना चाह रहे हो, गानों की रिलीज के अलावा? गानों की रिलीज के अलावा मैंने एक एक सोशल वर्क है मेरा, मैंने एक प्लान किया हुआ है और उसी पे ही वर्क करना चाहूंगा और उसी को कंप्लीट करना चाहूंगा, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो कहते हैं कि नेकी बताने से जाया हो जाती है। तो नेकी का काम हमेशा छुप के करना चाहिए, लेकिन मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैंने सोचा हुआ है और मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको कंप्लीट करूं नेक्स्ट ईयर में। मुझे एक समझ नहीं आ रही बात कि आदिल में ये खाना खाऊंगा कि नहीं, मुझे नहीं खाना चाहिए आदिल, उसके बाद ग्रीन टी फायदा नहीं है। रात तक जैपनीज यही करते हैं, वो डेजर्ट्स खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके फौरन बाद ग्रीन टी पी लेते हैं। खाना अगले साल की बेस्ट टीचर आपको कहा गया रिसेंटली, आपके स्टूडेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि आप बेस्टेस्ट टीचर हैं। हाउ डू यू रिलेट द थिंग्स, जो टीचिंग का आजकल का एक जॉनर है वो बदल गया है अब सर के, जैसे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है जी? व्हाट पहले होता था हमारे सर होते थे पास, कहते थे यार ये सर हैं, ये मैडम हैं, तो क्या कैसे रेट करेंगे आप टीचिंग सिस्टम्स और अपने आप का टीचर? सर ऐसा है कि एक तो मैं खुद थोड़ी यंग दिखती हूँ एंड स्टूडेंट्स आर यू नो दे कैन रिलेट विद मी मोर, तो एक तो वो चीज रहती है कि you know, it's I try my best कि जितना easy मैं students को कर सकूँ, जितना sense of humor एक humorous atmosphere classroom का हो सके वो रखूँ, तो you know fun and jokes it's the easiest way to make anybody learn anything actually। अब पता आपको यही मेरा थोड़ा अलमिया कहूँगा मैं कि चूँकि jazziness बहुत ज़्यादा है, अब jazziness जब वो देखते हैं शाम को या सुबह है कहीं और, तो अब मैं कोशिश तो करता हूँ कि थोड़ा मैं strict ही रहूँ, लेकिन डॉक्टर एजाज वारिस और जैजी में डिफरेंस आ जाता है ना, फिर जमीन आसमान का फर्क आता है कि मैं एकदम से अपना बदलता हूँ, बता दोपहर के बाद या सुबह के बाद, तो फिर वो हाँ, तो दे थिंक कि हम दोस्ती भी कर सकते हैं इनके साथ, उनको लगता है एंड सर उससे वो ज्यादा सीखते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल। दिस इज वेरी नाइस लाइन मैंने एक जगह रीड की थी कि अ ग्रेट टीचर इज समवन हु थिंक्स लाइक अ किड but acts like an adult. ye cheez bilkul sahi kaha, I've been happy with them sir, they've been happy with me. Online classes se thode naraaz hain bacche hue, bahut zyada naraaz hain, lekin ye hai ki somehow kar gaye unko push, lekin I think you should start your online or something like host show, host coaching karo, jaise hi aapka idea maine likh liya, likh le aur next year mein aap host ban rahi hain, I would love that, would love to see you। जनाब मॉडलिंग तो कर रहे हैं लेकिन सुना है कि एक्टिंग का भी डेब्यू होने वाला है, तो वो क्या प्लान्स अगले साल को लेकर? जी एग्जैक्टली, मैंने मॉडलिंग तो काफी सालों से कर ही रहा हूँ, सारे ब्रांड्स के लिए ऑलमोस्ट काम कर लिए, अब मेरा ये प्लान है कि एक्टिंग की तरफ जाऊँ, मैं ड्रामास की तरफ जाऊँ, आई लाइक ड्रामास टू, और मेरा खुद भी दिल कर रहा होता है कि मैं किसी को देख रहा होता हूँ, एग्रेसिव कोई हो सकता है, समथिंग रोमांटिक, कुछ भी, एनीथिंग। सो मैं चाह रहा हूँ कि अब ड्रामों की तरफ आऊँ, तो आई थिंक 2021 में मैं यही चाहूंगा कि ड्रामों की तरफ मेरा अपना इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ड्रामा का होना चाहिए। पता है और आपके फेवरेट एक्टर्स कौन से हैं ड्रामों में? देयर लॉट ऑफ एक्टर्स, देयर लॉट ऑफ एक्टर्स, लॉट ऑफ एक्टर्स, आई थिंक सारे ही अच्छे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अभी मैं गेम को स्किप कर रहा हूं बिकॉज़ टाइम शॉर्ट है, लेकिन एक आखिरी सेगमेंट में करूंगा दिल की बात 2022 के साथ, 2020 जो चल रहा है, तो अब आपको दिल की बात करें जो आप कैमरा सामने होगा, किसी भी दिल की बात जो आप ना कह सके हो आप कह सकते हैं आज। तो 2020 साइनिंग आउट, दिल की बात करनी है आपने, आने दो। ओके आई थिंक जहाँ दिल का मामला आता है ना, जो मैंने कभी नहीं कहा, हो जाते हैं जो मैंने कभी नहीं कहा, आज मैं जैजी के शो पे कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि अल्लाह के बंदो खुद को सुधारो, ये जो मुल्क है ना इसका आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है,
थोड़ा सा ना आप लोग इंसान बनो, थोड़ा सा यू नो रोड के रूल्स फॉलो करो, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीखो, थोड़ा सा हम्बल हो जाओ, गुस्सा कम किया करो। ये वो बातें हैं जो मैंने कभी नहीं की। मैं बहुत स्वीट स्वीट बनती हूँ, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ आप लोग अल्लाह के बंदे बन जाओ। नाइस। गुड टीचर इज ऑलवेज द बेस्ट स्पीकर ऑल्सो। अल्लाह दिल की बात। मेरा भी आई थिंक मेरा भी यही है कि मैं भी यही कहूंगा कि सारे जितने भी जैसे कोविड है, सारे लोग अभी मास्क नहीं लोग पहन रहे, ख्याल नहीं रख रहे अपना बिल्कुल भी लोग, और अपने आप से दूसरों को भी ख़राब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से अपने आप को भी सेफ रखें, दूसरों को भी सेफ रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ अदर्स, तो इट मैटर्स अ लॉट। क्या बात है, क्या बात, अल्लाह दिल की बात। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा फोकस लोगों को सफाई पे रखना चाहिए, ख़ास करके सिर्फ अपने घर का, अपने लिबास की सफाई की बात नहीं कर रहा, अपने आसपास, अपना मोहल्ला, अपनी रोड्स, अपनी सड़कें। हम लोग मैकडोनल्ड्स खाते हैं और गाड़ी का शीशा खोल के रोड पर फेंक देते हैं, तो रोड को भी अपना घर ही समझना चाहिए। जो हमारा मुल्क होता है वो भी हमारे घर की तरह ही होता है। तो मेरे ख्याल में जब आप अपनी सफाई, जिस तरह अपनी सफाई रखना पसंद करते हैं, इसी तरह अपने आसपास, अपना इलाका, अपने अपना मोहल्ला, अपना शहर, इसको भी साफ रखना सीखें। तो जनाब वक्त आगे गाने का, आपको विदा करेंगे पूरे मान से। शुक्रिया शो में आने का। आते रात जब पाकिस्तान आएंगे हम आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो आओ गाना सुनते हैं। गाने में एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप लोगों ने घर बैठ कर डांची डांची करनी है और आप लोगों ने भी ज्वाइन करना है। मैं कुछ खाना खा लूँ। आइए प्लीज। Back with the Big Bang 2020, please चले जाओ। तुम्हें जाना होगा हर साल। I used to say कि प्लीज साल मत जाना, हम उदास हो रहे हैं। ये साल ऐसे कि इस साल हम सब कह रहे हैं यार चला जाए यार, gone as soon as possible। सही बात है, लेकिन लेकिन उम्मीदें खुशियां सब साथ साथ हैं। मेरे एक बहुत जबरदस्त दोस्त से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको। मैंने इनको एज अ कलीग भी ज्वाइन किया और वहां भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। बिकॉज आप ना बड़ी ब्लेस्ड सोल हैं। दिस गाय इज अ एग्जांपल ऑफ अ ब्लेस्ड सोल। ये वाहिद वो शख्स पान थे जिनसे मैं दिल की हर बात कर लेता था, मुझे क्या फील हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एंड वी यूज टू डाइन आउट, बैठे थे, बातें करते थे कि यार ये क्या हो रहा है। एनीवेज जनाब वो तो साइड पे रहा। ही इज अ जबरदस्त सुपर हिट पोएट ऑफ पाकिस्तान। शायर है, डॉक्टर तो हैं, लेकिन डॉक्टर के दिल में भी कुछ दिल धड़कता है, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना। और इस पोएट ने आके आपके दिलों पर राज किया है। कि जो हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, इनके बारे में इनकी एक नज़्म बहुत शोरा आफाक मशहूर हुई है, लाहौर के बारे में। एक शेर है कि जो लाहौर से मोहब्बत है, सुनिएगा आप लोग जरा गौर से और आप लोग भी सुनिए गौर से। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, किसी और से मोहब्बत है। अब किसी और कौन है, ये तो हम इससे ही अनवील करेंगे। तीन किताबें आ चुकी हैं, चौथी पाइपलाइन में है। एक अंदाजे बयां रखते हैं। डॉक्टर, अमेजिंग डॉक्टर, अमेजिंग पोएट, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, अमेजिंग फ्रेंड। हमारा आज का ये जो नाता है, तकरीबन ये हमारा 10-12 साल पे मुनीत हो चुका है, आई एम श्योर, एंड वी आर टुगेदर बिकॉज ही इज अ गुड फ्रेंड, अ गुड पर्सन। सो आइए मिलवाते हैं आपको द प्राउड ऑफ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एन अमेजिंग पोएट एंड अ डॉक्टर, डॉक्टर फखर अब्बास। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मतलब मैं दिल से बातें की आपके लिए, मैंने कहा जरूरी है ना, ऐसी बातें की मैं खुद हैरान हूं। लेकिन मैं वो दिल में रखता था, बस मैंने बोल दी यार। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। ये आपकी नज़्म जो थी, इसने तो आपको ज़बान ज़द आम बनाया, एक शायर और सुपरहिट हुए। आपको बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। और खास तौर पर वो लोग जो लाहौर में रहे और जब उन्होंने ये नज़्म सुनी, वो यहाँ नहीं थे, वो कहीं और थे। हाँ, मेरा ख्याल है फखर सब बातें करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन चूंकि अभी गेस्ट जाने वाले हैं ये और बैठे हुए हैं, तो इनके सामने मैं चाह रहा हूँ कुछ नज़्म ये हो जाए। मैं यही सुना। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, तो आने दो। एक तो बहुत लोगों ने पूछा भी कि और कौन है। हाँ एग्जैक्टली। और ये था कि अभी आपको ये सुन के अंदाज हो जाएगा। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह। ये जो लाहौर से मोहब्बत है,
ये किसी और से मोहब्बत है और वो और तुम नहीं शायद, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। अरे 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 ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। और कुछ इसमें रोमांटिक अशार भी हैं कि बचपना कम से नहीं जवानी आज, बचपना कम से नहीं जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। अरे अरे क्या बात है, सुपर। बचपना कम सी नहीं जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत है। और ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, अच्छा ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत। क्या बात, बहुत आला भाई, क्या बात है। आते ही समा बांध दिया बगैर आपने, और इट्स एन अमेजिंग, बहुत आपकी सुपर हिट हुई है और लाहौर की पहचान बन गई ये नज़्म आजकल है, जो जबरदस्त है भाई। नाइस, तो आइए थोड़ी कहानी सुन लें फखर की, के फखर कैसे आप डॉक्टरी करते करते शायरी में आए। आई थॉट आप में था, तो ये सारी वाइब नहीं, पहले से था, पहले से था, आई नो। तो बताओ थोड़ा, सबको बताओ। बस वजूद जन से है तस्वीरें, सही है। कहते हैं वजूद जन से है तस्वीरें, कायनात में रंग। तो जब मैंने इंजीनियरिंग और मेडिकल में से चूज करना था, तो ये भी इसी बेसिस पे था कि मुझे उस तरफ बिल्कुल फीकापन नजर आ रहा था, अच्छा। इस तरफ कुछ रंगीन। बहरहाल मैं पहले से शायर हूँ मैट्रिक से, और उसके बाद क्योंकि स्टडीज में भी अच्छा था, और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। बल्कि फर्स्ट ईयर में ना FSC में मुझे डॉक्टर कहना शुरू कर दिया था, मेरे अच्छे मार्क्स थे मैट्रिक में। बट आई वॉज ए पोएट, मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ पोएम्स लिखी, सेकेंड ईयर में, और फिर मेडिकल कॉलेज में भी ये सिलसिला जारी रहा। और फिर एक इसकी ऐसी पीक आई व्हेन आई वॉज इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर प्रोफेशनल एग्जाम्स, कि मुझे एक एग्जाम क्विट करना पड़ा फॉर माई बुक, वो मेरी पहली किताब थी। really? ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो आप वाकई जुनून की हद तक, मैंने जुनून की हद तक इसे प्यार किया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चला, मेडिकल भी कंप्लीट किया और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ भी आया, टीचिंग में भी आया, और पोइट्री को भी बहुत कोशिश की कि उसके साथ इंसाफ कर सकूं, बिकॉज मैं शुरू से ही दोनों मीडियम्स में लिखता था, पंजाबी और उर्दू। ठीक है। और उसमें मेरा ये था कि समटाइम्स आई रोट सीरियस पोइट्री, अदरवाइज इट वॉज फनी एंड कॉमेडी। ये मेरा एक नज़रिया था कि मुझे लोगों में ज़्यादा मुस्कुराहटें और खूबसूरतियाँ बांटनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको आगे लेके। आपकी तीन बुक्स आ चुकी हैं। जी तीन बुक्स। पहली बुक कब आई थी? व्हेन आई वाज इन मेडिकल कॉलेज। दो और हैं। नाम क्या है बुक्स के? मैंने जो महसूस किया वाज द फर्स्ट वन। उसके बाद फिर मैंने अपना सारा कलाम जमा किया खुशबू खुशबू के नाम से। अरे वाह। व्हिच वाज डेडिकेटेड टू माय वाइफ। अगरचे उसका नाम खुशबू नहीं है, लेकिन खुशबू खुशबू मैंने कहा सारी खुशबुएं तुम्हारे अंदर ही मैं तलाश करता हूँ। एंड द थर्ड वन वाज ये जो लाहौर से मोहब्बत है, व्हेन दिस पोएम वाज ए हिट, तो मैंने इसी नाम से फिर ली। एंड द लास्ट वन जो बिल्कुल अभी इंशाल्लाह जल्द आने वाली, दैट इज आल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग, वो है मिलती रहा करो। ये जरूरी है, मिलना बहुत जरूरी होता है। मिलकर जो मुझसे शाद हो, मिलती रहा करो, अच्छे दिनों की याद हो, मिलती रहा करो। अंदाज बयान तो आपका खूब है। तो मेरा ख्याल है कि अब हम वक्त आ गया उस गेम का जिसका हम इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, कि अब आप भी बैठे हैं और हमारे गेस्ट भी हैं, और हमने कहा कि इस पहले की विदा करें, एक गेम बनती है, नाना करते हाँ तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार इकरार तुम्हीं से कर बैठे। हम कुछ सवाल करेंगे आपसे, आपने उनके जवाब देने हैं। यस बनो दिखाना है कैमरे में, ठीक है? आर यू इन लव? What? Allah, 2020 was a good year for you. Yes, आपने पहले भी बताया। Half fried egg आप बहुत शौक से खाते हो। Scrambled egg. Nice. Your best dry fruit is chalgona. Yes. Allah, मेरे को बस नहीं अच्छे पता है। Okay, आपके दोस्त ज्यादा हैं, दुश्मन कम हैं?
दुश्मन मेरे हैं ही नहीं सर। ये चीज मैं भी कह रहा था, बिल्कुल सही है। जिंदगी गुलजार होती है। यस थैंक यू, आगे दे दीजिएगा। आर यू इन लव डूड? Yes, no, okay. Are you a bathroom singer? Yes, you are. Okay. Are you a cheese omelette lover? Are you a cinema lover? Okay, Mabra Hussain is a better actress than Urva Hussain. I think. Ah, Junaid Khan is a better singer than Farhan Saeed. No. बड़ा सोच के जवाब दे रहे हो। I like it. हसनैन लहरी is a better model than शहजाद। No. ये चीज तेरे साथ, आपकी वजह से। I like शहजाद। हाँ, शहजाद तक लेवल है। आ जाओ। अब आते हैं जरा शायर साहब की तरफ, देखते हैं कि यहाँ क्या जवाब आते हैं। सच्चा प्यार बार बार हो जाता है। Really? वाह, क्या बात है। Do you believe in love at first sight? हाँ, वो तो है, मानना पड़ेगा। आर यू चिकन कढ़ाई लवर? यस, वो तो सब, अगर सही बनी हो तो सही बनी हो, कढ़ाई के अंदर ही खानी चाहिए। वो लव इट है, सर्दियों में खास तौर बटर के साथ। एग्जैक्टली, और काले मिर्च को तो मजा आ जाता है मुझे तो। आर यू ट्रेवल लवर? हाँ, यस। कहाँ गए थे लास्ट शेयर करने? लाहौर। लाहौर ही गए थे, सही है। अच्छा, डू यू लाइक सम टाइम्स? Many times. जिंदगी प्यार का गीत है, उसको हंस के निभाना पड़ेगा, अपमान के। यस, थैंक यू सो मच। जनाब, इसी पॉइंट पे अब हम एक म्यूजिकल डोज देंगे और साथ में विदा करेंगे अपने दोस्तों को। बहुत शुक्रिया दोस्तों आने का, आते रहा करो, रौनके लगती हैं, अच्छा लगता है। साल जा रहा है लेकिन दोस्तियां हम और स्ट्रेंथन करेंगे अगले साल, ठीक है ना? सो सी यू गाइस इन द कवाली नाइट एंड ऑल दीस स्टफ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। थैंक यू सो मच। तो अब ऐसे करते हैं, विदा करते हुए गाना प्ले करते हैं। एक और सुपरहिट गाना इस साल रहा शेर मियां दास साहब का, तेरे से हर रंग सूट करता। तो वो गाना बड़ा मजे का है। आई गाना देखते हैं, वापस आएंगे तो हमें एक और हसीन चेहरा ज्वाइन करेगा। वो आएगी, छाएगी और दिलों को थाका के पता चल जाएगी कौन है। सरप्राइज रखते हैं ना आपके लिए। गुड मॉर्निंग, कोहिनूर चल रहा है जैजी के साथ और गाने पे गाने चले, शायरी के वक्त बढ़ गए और मजेदार शायर बैठे हैं यहाँ पे। और फखर की तो शायरी की क्या बात है, तुमने बहुत शायरी सुनी हमने आपसे आज। डोंट यू वरी अबाउट इट, कम से कम चार पांच और तैयार रखे आप अनलीश करके। जबरदस्त हो गया। मैंने कहा था ना वापस आऊंगा तो एक हसीन चेहरा आएगा, और वो आ गई। जब वो जहाँ आती है ना फिर वहां वही होती है। खुशी इज ब्यूटिफुल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लाइवली, वेरी बबली, और इस फेक दुनिया ऑफ शोबिज में एक रियल लड़की है वो, दिल से बातें करने वाली, और जो शो करती हैं वो सुपर हिट हो जाता है। एक्ट्रेस, मॉडल, टीवी होस्टिंग, सब जॉनर्स में काम कर रही हैं और एक्सेल कर रही हैं। नॉर्मली लड़कियां इतना नहीं करती कि हर एक में काम कर रही हैं, एक्सेल कर रही हैं, लेकिन नहीं, मुझे उनका हर फ्लेवर मजे का लग रहा है क्योंकि शी इज डूइंग द बेस्ट इन व्हाट शी डज। सो आई थॉट कि साल के विदा पे हमें मलाइका को यहाँ पर जरूर वेलकम करना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसे पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग अपने शो में हर पल चाहिए हैं। सो गुड बाय करेंगे इस साल को मलाइका के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने। साल जा रहा है मलाइका, इसको रोकना है कि नहीं रोकना? नहीं, मैं रोकना नहीं चाहती। मैं भी रोकना नहीं चाहता। नहीं रोकना चाहती। थैंक यू, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी सारी क्वालिटीज नहीं है। आप बिलीव करें, जब आप एक, मैं गलत बात नहीं करूंगा, बट आई एम जस्ट सर्फिंग चैनल्स, तो जब मेरे दोस्त उस पे होते हैं ना, लाइक एक भी शायरी पढ़ोगे मैं रुक जाता हूँ कि पता क्या पढ़ रहा है आज, रुकता हूँ कि मलाइका आज क्या हमें लेके दिखाने वाली, कॉमेडी में या कुछ होस्टिंग में, रुकता हूँ देखता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यू पीपल आर आवर एसेट्स एंड वी आर प्राउड टू हैव यू ऑन बोर्ड। नहीं, मुझे मैंने बहुत बड़ा मेरा लॉस हुआ है इस साल, तो मैं समझती हूँ कि इसका जाना ही बेहतर है, ताकि आने वाला साल मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए एक नई खुशियाँ लेकर आए और सबके लिए वो साल अल्लाह ताला बेहतर रखे।
बिल्कुल। तो मैं नए आने वाले साल के लिए वेलकम करने के लिए तैयार हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि सबके लिए नया साल बहुत अच्छा है। बहुत आला, नाइस अटायर आपने अपनाया हमारे शो के लिए। थैंक यू सो मच। मिलवाते हैं आपको एक और यंग टैलेंट, यंग भी हैं, एंथुसियास्टिक भी हैं और बहुत ही आला आवाज के मालिक हैं और पढ़ा लिखा ज्ञानी लड़का है, म्यूजिक में बकायदा मास्टर्स किया हुआ है ना, और बकायदा मास्टर्स और डिग्रीज लेके इन्होंने सीखा है म्यूजिक को और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीन गाने इंटरफेशली आ चुके हैं और उमर इकबाल जो है वो भी एग्जाम्पल है एक का, कहते हैं ना ऐसा लड़का जो कि डेस्टिन्ड है टू अचीव गोल्स वेरी क्लियरली इन म्यूजिक। लेट्स वेलकम उमर। उमर अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आपको चुना है साल के आखिरी शो के लिए, कैसा लग रहा है आप पहले ही बताओ मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है और आपका नाम निकला उसको अंदाजे में कि आज उमर आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा इसके लिए कि आपने मुझे मौका दिया एंड अभी सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह। बहुत आला, सब कुछ तंदील करेंगे। और इससे पहले कि हम जाएं टुवर्ड द गेस्ट, देखा ले एक पोएट्री फिर ले आए क्योंकि कुछ आमदेद करना चाहते हैं इनको हम लोग भी, तो शायरी से बेहतर कोई अल्फाज क्या होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, इतने अच्छे शायर बैठे हो या मिक्स आने रहे और साल को विदा कर रहे हैं हमारे। जी खैर, साल जब गुजरता है ना तो नए साल पे हर कोई कुछ ना कुछ कहता है। Exactly. तो ये एक कपल ऑफ ईयर बैक मैंने दो लाइनें उस पर कही थी कि दिल का शीशा तोड़ दिया है, वाह, नम से आंखें भर दी हैं, दिल का शीशा तोड़ दिया है, नम से आंखें भर दी हैं, और सुनाऊं क्या जब तुमने सारी बातें कर दी हैं। दिल का शीशा तोड़ दिया है, नम से आंखें भर दी हैं, और सुनाऊं क्या जब तुमने सारी बातें कर दी हैं। वाह। और खत उसके महफूज किए हैं याद जुबानी कर कर। अच्छा। खत उसके महफूज किए हैं याद जुबानी कर कर के, उसकी कुछ तस्वीरें थी जो दिल के अंदर भर दी हैं। अरे वाह, क्या वाह वाह वाह। और मुझसे बेहतर कौन था जिसको दर्द बिछोड़े देती हो, मुझसे बेहतर कौन था जिसको दर्द बिछोड़े देती वो, ये तकलीफें भी तो उसने एक भरोसे पर दी हैं। क्या वाँ वाँ। क्या वाँ। और हम जैसों से आप अमानतदारी सीखें बेहतर है, हम जैसों से आप अमानतदारी सीखें बेहतर है, तनख्वाहें भी पूरी लाकर हम लोगों ने घर दी है। क्या बात है, जबरदस्त, क्या अंदाज है, आपको वेलकम किया, बहुत आला था ये, कमाल कमाल, जबरदस्त। तो चलते हैं टुवर्ड्स दी मलाइका, मलाइका और 2020, अपने आप को कैसे वैल्यूएट करेंगे आप इस पूरे साल में, कैसा रहा आपके लिए? देखिए ये पूरा साल मेरे लिए बेहद मनहूस रहा है एक्चुअली, क्योंकि मुझे इस साल में कोई इतना काफी सारे लोगों के साथ बहुत सारे हादसे हुए हैं, मगर मैं सीरियस बात नहीं करना चाहती। इस साल मेरे बाबा इस दुनिया से गए हैं, तो हाँ जी, तो मेरे लिए ये साल मेरी लाइफ का सबसे मतलब बुरा साल है और मैं इसको यही कह सकती हूँ मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस, तो इस सीरियस बात को यहीं तक रखती हूँ। बाकी काफी सारी चीजें अच्छी भी हुई हैं छोटी छोटी, हाँ, लेकिन आपको पता है ये COVID-19 में ये बहुत रहा है, इस साल अभी भी चल रहा है, तो काम के हवाले से भी काफी चीजें जो है वो प्रॉब्लम की है सबके लिए और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा की है। सो मैं बस सब दुआ कर रही हूँ कि हमारा 2021 जो है वो हम सबके लिए अच्छा आए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। लेकिन हाउ वाज शोबिज, मुझे बताओ आपकी नजर है शोबिज पे, आई नो दैट एग्जैक्टली, मॉडलिंग, फैशन, म्यूजिक, फिल्म, टीवी, ड्रामा, क्या रहा है इसके लिए? तो कुछ नहीं देखिए, बात ऐसी कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं फेकली कह देते हैं जी मैं बहुत काम कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं काम जरूर कर रही हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं ये कोविड की, उसकी वजह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे मतलब के स्टार्ट होने थे वो भी अभी पाइपलाइन में है, होप्स हो के आफ्टर 2 months वो स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो है। लेकिन हाँ, और ड्रामास के हवाले से आपको पता है पूरी इंडस्ट्री इस वक्त कराची में है, ठीक है, तो लाहौर में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं मैंने काम साथ साथ किया है, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि 2020 में काम जो है वो काफी डिस्टर्ब रहा है। बहुत अच्छा है, सही कह रहे हैं। आई थिंक सवाई ड्रामा के, हाँ, बाकी जॉनर्स काफी मुतासिर हुए। Exactly, ड्रामा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन
स्टेज भी उस तरह से नहीं हो पाया, फिल्म तो बनी नहीं, कोई आई ना बनी, तो आपको पता फिल्म देखिए वो रिलीज कैसे होगी, सिनेमाज में तो आप जा नहीं सकते, आपको पता है वो भी उन्होंने क्लोज कर दिया है। जो हमारे ओपीटी फॉर्म्स हैं यानी कि जो एप्स होती हैं वहाँ हमारे हमसाया तो छाया हुआ, लेकिन हम वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उनकी सोच देखे ना कि वो किस तरह से रिलीज कर रहे हैं फिल्मों को, तो ये सबसे अभी हाल में जो फिल्म आई है वहाँ 25 तारीख को उन्होंने 250 करोड़ की बेची है एक ऐप को। कैन यू इमेजिन, ओ माय गॉड, अब वो सोचे कि उस ऐप पे कितना कमाया होगा, कि जो वो सोच रही है कि 250 करोड़ की उसने खरीदी प्रोड्यूसर से, अब उसने खुद कमाना है यार। नहीं ये तो बहुत लेवल की, तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हम फिल्में ऐप पे आ ही नहीं पा रही, आती हैं, एक दो फिल्में आई हैं तीफन ट्रबल वगैरह, हाँ। लेकिन वो बस आ ही गई हैं, क्योंकि उनको कोई मुनाफा खास उनको नहीं हुआ, रिस्क नहीं ले रही बिजनेस यहाँ पाकिस्तान में। वहाँ पर ये हालात है फखर कि वहाँ पर ओरिजिनल मूवीज बन रही है, एप्स खुद बना रहे, प्रोडक्शन हाउसेज बनाते हैं, क्या काफी सारे हैं, मतलब कि उनका तो हम कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ पे। आपको यहाँ एक आई थी लेकिन वो फ्लॉप हो गई, कोई फ्लिक्स थी पाकिस्तानी फ्लिक्स टाइप थी, अच्छा चली नहीं उस तरह, नहीं चल सकी। नहीं ये सबसे ज्यादा हमारे लिए बड़ी मतलब के बदहाली वाली बात है कि ये चीजें होनी चाहिए, हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने पाकिस्तान को प्रमोट करना है ज्यादा, इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग करें। ठीक हो गया जी, उमेर बताओ अपनी कहानी, फर्स्ट टाइम तुम आए हो मेरे शो में। सर बचपन से गाने का शौक था और 2005 से शुरू किया, फिर गाना कॉन्सर्ट्स किए, परफॉर्म करना शुरू किया, और उसके बाद ऑफिशियली जो है वो मैंने 2017 में अपना डेब्यू सॉन्ग किया, उसका म्यूजिक वीडियो किया, उसके बाद भी 2 सॉन्ग्स आए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अप्रिसिएशन मिलती रही है तो गाता हूँ और लोग खुश होते हैं। मजा इंस्पायर्ड हो किस सिंगर से, किस म्यूजिशियन? अगर आप पाकिस्तान में पूछें तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और जो नई लौट है बिग फैन ऑफ आतिफ असलम, ही इज़ लाइक लेजेंड मेरे ख्याल में। हाँ लेजेंड तो बन गए वो, उनसे बड़ा कोई सिंगर नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर एक दिन में सवाल आया था आपके लिए कि हमारे यूथ जो है वो अक्सर एक फैक्ट है जो देखता हूँ कि वो रिलेट नहीं कर पाती हमारे मोस्टली शोरा से, क्योंकि शायरी बहुत हैवी होती है, लेकिन आपके यहाँ थोड़ा अपोजिट हुआ है, पीपल हैव बीन रिलेटिंग यू, मेडिकल स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स आपको सुनना पसंद करते हैं, दाद देना पसंद करते हैं, तो उनको लगता है कि आप उनके दिल की तर्जुमानी कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? Because I always loved the original work. क्या? मुझे यह था कि मैं जिंदगी से चीजें कशीद करके तो लोगों तक पहुंचाऊं, ना कि किताबों के छापे मार के। Exactly. क्या फायदा, क्या पुरानी किताबों से पढ़ पढ़ के और नए अंदाज से कुछ थोड़ा डाल के तो उसमें आप चलाएं। हाँ। जैसे सॉन्ग्स की बात है, मतलब उमेर इज डूइंग ओरिजिनल वर्क, तो आज नहीं तो कल आप एक लेजेंड होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर आप शुरू से ही वही सॉन्ग गाए हुए दोबारा गा रहे होते तो आप फिर वो सिर्फ शादियों में गा रहे होते। बिल्कुल कभी भी कभी कभी वो कवर सॉन्ग भी अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आपका अपना एक वर्क होता है ना वो ज्यादा वो हमेशा चलता है। यू हैव टू बी क्रिएटिव, आप फिर कवर करो अच्छा जब आपकी अपनी कोई पहचान बन जाए। बिल्कुल अपनी पहचान ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक ये मौका ऐसा है कि अभी हमें कुछ लाइव सुनना चाहिए उमेर से, और फिर जरा मार्क्स लेते हैं हम फखर और मलाइका से, 10 में से कितने मार्क्स देंगे आपको? माइक पकड़ लेते हाथ में अपने, मैं पड़ा हुआ माइक, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, लग तो रहे हैं कॉन्फिडेंट, अब देखते हैं क्या आवाज। उस्मान सोच लो, आने दो, सुपर, कितने मार्क्स देंगे 10 में से? 10/10. Really? Yes. Nice. Just, seriously, mashallah, very nice. Nice. Voice. And you? Kitne? Because original song in Tamil. Obviously. Wo cover pe kehte na, but good effort. Very good effort. Very good effort. Ho gaya, zabardast ho gaya. Tumko dekha to ye khayal aaya. Game start kar. Oh really? Main wait kar rahi thi is game ka actually. Acha jenab, ab kuch game aisi hai ki ab hum kuch naam lenge aap teenon ke samne. Okay. Sab jante hain sitare, stars wagaira. Unka naam sunke aapke dil mein kya lafz aata hai? Okay. Wo hum puchhenge aap. Aapse start karta hu. Meera ji. Simplicity. Baaki bahut simplicity hai baaki. Aap kahin acha ye bhi bata do. Main aaj shehr suna deta hu. Aap sunaiye na. जुल्म अपने ही साथ करती है। वाह कौन? जब वो इंग्लिश में बात करती है। जुल्म अपने ही साथ करती है। जब वो इंग्लिश में बात करती है। तो कहूंगी गुड एफर्ट्स, गुड एफर्ट्स। क्या बात है। रीमा जी। ब्यूटीफुल। नाइस। दानिश तैमूर। वेरी गुड एक्टर। आई लाइक। हां बिल्कुल सही। राहत फतेह अली खान। हां ग्रेट सिंगर। या वारिस बेग। वेरी गुड सिंगर। सब आपसे गुड गुड नहीं कहना, देखते देखते कर रहा हूँ। फाद मुस्तफा। अच्छा
talented actor and very smart. Yeah. Sanat Javed. Like her. She is likable actually. Because my kids like her. Ah, she's too good. सही बात है. मावरा हुसैन. मावरा हुसैन मतलब कि अच्छी है. अच्छी है ठीक है. अच्छी है. Good. Okay. Farhan Saeed. Farhan is nice. Nice. Saima Ji. साइमा जी उड कोठे तो काम है क्या बात है सुबह कमल शी इज आल्सो वेरी गुड एक्टर माहिरा खान हां वैसे माहिरा खान से हैरान हूं कि अगर वाकई उस फिल्म के बाद माहिरा का एक जो है ना अवतार अगर माहिरा आप कोई काम ना भी करें पूरी जिंदगी शी इज ब्रांड नाउ सही बात है सज्जल सज्जल मासूम छोटी बच्ची हां बड़े हो गई है सब हां फवाद Great. Great. Awesome. Great. कह रहे हैं सोचते हैं. Smart. Okay. Okay. Nasib Bilal. Legend. Legend. Okay. क्या बात है? फलक शब्बीर. फलक शब्बीर. So cute. क्या बात है? निशा शब्बीर. Okay. Okay. And last but not the least, आसिम अजहर. फलक कौन है? नहीं पता. पता नहीं इनको. देखो ये भी हैरान कर बात है. ये लड़का तो बहुत गाने गाने पता ही नहीं कौन है नहीं अगर इनसे अभी पूछे कि टिकटॉक के हवाले से तो टिकटॉक स्टार जो है वो सबको पता होंगे फिलहाल गाना हो जाए उमेर अब्बास जो सामने मैदान में तो इस गाना तैयार है और हम लैस है आज साल का आखिरी दिन है और हम साल को विदा कर रहे हैं आप सबके साथ साथ है ना आप लोग आइए जी भाई अब तो फखर ने भी कहा कि ये आवाज कमाल चीता आवाज 10/10 10/10 पूरे हो गए देखो जब गाना बाकी फखर ओरिजिनल गाया उसने ओरिजिनल गाने में अपनी आवाज की मेरा दिल लगता है आप दिल से गाते हैं अपना गाना फखर वैसे आपने मुझे आज मेरी आंखें वाकई खोली हैं साल के लास्ट डे मैं 5 महीने से शो कर रहा हूं देखिए ये बात बहुत पहले टपक जगह फखर का कि जब सिंगर किसी और का गाना गा रहा होता है तो उसकी जो वो आवाज होती है वो अपनी नहीं खुल के आती यस सही बात है ये चीज इस बारे हम जाएं टुवर्ड्स द नेक्स्ट गेम एक शायरी की डोज आनी चाहिए यहाँ से जरूरी है यार शायर बैठा है यहाँ पे फखर डॉक्टर फखर मैं आपको वो गजल सुनाता हूँ जिसके लिए मैंने अपना एग्जाम छोड़ दिया था सुनाइए I was so much involved in poetry in those days sure. वो था कि घर से तुम्हारी दी हुई चीजें निकाल दी अरे घर से तुम्हारी दी हुई चीजें निकाल दी जैसे खुद अपने जिस्म से सांसें निकाल दी क्या बात है घर से तुम्हारी दी हुई चीजें निकाल दी जैसे खुद अपने जिस्म से सांसें निकाल दी देखा बस एक दफा उसे मैंने करीब से देखा बस एक दफा उसे मैंने करीब से फिर अहले शहर ने मेरी आंखें निकाल दी अरे क्या बात है देखा बस एक दफा उसे मैंने करीब से फिर अहले शहर ने मेरी आंखें निकाल दी पर हैरत है उसने कैद भी खुद ही किया मुझे हैरत है उसने कैद भी खुद ही किया मुझे फिर खुद मेरे फरार की राहें निकाल दी क्या बात है बहुत आला फिर खुद मेरे फरार की राहें निकाल दी और जाने वो किसके वास्ते लिखी गई है दोस्त मैं अब शायरी मैं करूंगा और गाया आप करेंगे क्या बात है ये भी बड़ी अच्छी बात है जाने वो किसके वास्ते लिखी गई है दोस्त मैंने मुसव्वदे से जो नज़्में निकाल दी क्या बात है जबरदस्त बहुत आला जबरदस्त आ गए एज यूजुअल अब जो गेम है बड़े मजे की है तुमने धुन बजाई इसमें क्या हुआ कि आप दोनों अब गेस करेंगे हाँ गेस करेंगे okay. और सिंगर बैठे हैं सिंगर धुन बजाएंगे एक क्लासिक को गाना होगा आप धुन से गेस करते हैं अच्छा एक बात और मलाइका एंड कि जनाब आपको अगर गाना आ गया तो आपने इस तरह हाथ करने के हाँ मुझे आता है मतलब हमने फिर आई विल आस्क यू इंटरप्ट नहीं करना आपने क्यों देनी है मुझे कि मैं जज हूँ कौन पहले हाथ उठाएगा राइट डन जी शुरू करते हैं धुन बजाई तूने पहली धुन फर्स्ट सॉन्ग इज एम वीर उससे अनाकार में अब गाके थोड़ा सुनाओ गाना
एक लाइन में रुसे आना कर मेरी जान सजना, क्या बात है, एक दिन छड़ जाना है जहां सजना। बहुत आला। साइमा जी पे पिक्चराइज था ये गाना। 1-0। या यार मजाक कर रहा हूं, मैं मजाक करता हूं, समझा करें। हम जस्ट चिल फील करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, दे रहे हैं कि अभी मेरा 1 पे है, लेट्स सी क्या आपका हो जाए अगला। आइए ना 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 तेरे आंखों में आता है साहब, क्या है मुझे शायद ये दोनों को पॉइंट दे देंगे, आप बताएं। सोना ना चांदी ना कोई महल जाने, अगर ये मैं थोड़ा गा के सुनाऊं, सुनाइए उनको, जज्बा आ रहा है कि मैं भी सिंगिंग करूं आप। ओके, ना चांदी ना कोई महल जाने ना, तुझको मैं ले सकूंगा। क्या बात, ये गाना बहुत मजे, बहुत आला गाना है। इखलाक अहमद की ये सिंगर थे इस गाने के, जी फिल्म थी बंदिश आई थी जी, नदीम और शबनम पे ये गाना था, नदीम शबनम बिल्कुल जबरदस्त। तीसरा ना 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 मैंने नहीं आप कर दे, मैंने वो नहीं कह रहे, हम करते हैं, आप अच्छी लग रही हो, क्यों लग रही है ऐसा करते, तो बताएं फिर कौन सा है। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू बैठे रहो। वाह, बस क्या बात है, अगले को आप लास्ट रहेंगे हमारे पास। ना 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 तुमको एक शख्स याद आएगा, लेकिन देखिए स्कोर्स तो मेरे 4-4 गए हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा वाह, तुमको एक शख्स याद आएगा। ये इसकी शायरी कितनी प्यारी है, बहुत आला भाई, वाह वाह। ये गाने कहाँ मिलते हैं, ओल्ड इज गोल्ड है ना, ये गाने मिलते ही नहीं कहाँ से। थैंक यू तुम्हारा भेजेगा, थैंक यू सो मच, भाई पास ही रख लें। कितने मजे की देखे गेम थी, कि धुन बजाई तूने और आपने चारों गेस कर ली, मेरे मजे एक गेस कर ली। इसमें देखें इन गानों में क्या है, इनमें देखें कंपोजिशन बेस्ट, हाँ पोएट्री बेस्ट, सिंगिंग बेस्ट, अब हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। नहीं एक्चुअली होता ये है कि जो पहले की शायरी है, जो पहले की कॉम्पोजिशन है वो बहुत अच्छी है, अब सब लोग यही चाहते हैं कि कुछ नया करें। मतलब नया ये नहीं होता कि वो बुरा करें, नया ये नहीं होता कि कुछ बुरा किया जाए, आप जो भी करें लेकिन उसको भी ज़हन में रखते हुए आप अच्छा करें, ताकि लोग, हाँ यहाँ पे अब ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो नए सिंगर्स आ रहे हैं ना वो ऐसी शायरी कर रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं कि वो सिर्फ यंगस्ट जो है वही सुन सके, जो एज में है ना। अब देखें पता चक्कर क्या है, जो गाने वाला कहता है वो मैं खुद ही कंपोजर बन जाऊं, मैं खुद ही सिंगर, अगर वो अच्छे और मैं शायर भी खुद, मतलब ये ट्रेंड चल रहा है। हालांकि एक पहले टीम वर्क था जी, तो मिलते थे, तब पैसे कम लगते थे, अब पैसे ज्यादा लगते हैं, हर एक को नहीं दिए जाते, पैसे वाकई बहुत लगते हैं, सही कह रहे हैं जनाब। टाइम मुझे बताया जा रहा है कि बहुत कम है, लेकिन मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, मेरे गेस्ट बैठे हैं यार, मुझे भी बातें करनी है। और मलाइका जी, 2021 जी, मलाइका के प्लान जाना चाह रहे हैं हम सब। 2021 में मैंने सोचता हर कोई बहुत अच्छा है, और मैंने भी बहुत कुछ सोचा हुआ है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक अच्छे चैनल पे आने वाली हूँ। अच्छा, nice. नहीं ये मैं ये सबसे बल्कि हाँ सरप्राइज दे तो रही हूँ, लेकिन मैं सबसे ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप भी दुआ कीजिए कि जो मैंने सोचा हुआ है या जिस चीज़ के लिए मुझे कहा गया है, जिस चैनल के लिए अल्लाह करे वो काम मेरा हो जाए, और बस यही दुआ है, और सबके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि 2021 जो है वो सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, जिनके प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं वो सबके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस साल अपने मुकम्मल कर सके। बहुत आला, क्या प्लान्स हैं? प्लान्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, क्योंकि 2020 जो है वो गुजर चुका है, उसके बारे में नहीं सोचना, अब आगे बस पॉजिटिव रहना है। इनशाला काफी सारे प्लान्स हैं जिनको कंप्लीट करना है, और एक अच्छी उम्मीद के साथ, इंशाल्लाह। उम्मीद तो हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए, यू आर राइट। बड़े तारीखी मोमेंट है जनाब हमारे शो के, हमारे साल के आखिरी शो के आखिरी मोमेंट चल रहे हैं, हम एक्साइटेड हैं, आंखों आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी की है, नहीं एक फीलिंग आती थी, बिल्कुल बिल्कुल। 2020 स्टार्ट होने वाला था, तो न्यू ईयर पे मैं एक जगह पर थी, तो मैं सोच रही थी कि जैसे कि इस साल हमने बड़ा कुछ किया है, 2020 की एक्साइटमेंट थी, ठीक है वो अल्लाह ताला जो भी प्लान होते हैं ना, जो अल्लाह ताला करता है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, हमें पॉजिटिव वाकई सोचना चाहिए, पॉजिटिव मतलब रहना चाहिए,
ताकि जो हम दूसरों के लिए सोचेंगे अच्छा सोचेंगे तो हमारे लिए यकीनन बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो अब मजेदार बातें हुई, लेकिन अभी हम जानते हैं डॉक्टर फखर से उनके प्लान क्या है फॉर 2021। 2021 का पहला प्लान तो है नई किताब मिलती रहा करो। कब आ रही है वो फर्स्ट थ्री मंथ्स में डेफिनेटली, और मैं उसकी यहाँ पर उसकी पोएट्री पढ़ा करूंगा फिर। हाँ पढ़ूंगा पोएट्री में उसकी शायद और दूसरा यह है कि कोई फॉरेन टूर इंशाल्लाह होना चाहिए पाइपलाइन में। एक शायरी में आपकी इजाजत से जान करूंगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं ढूंढी थी दिसंबर में जाने से पहले एक शायरी हो जाए, लेकिन ये चले आओ पे है। दिसंबर में चले आओ कबल इसके दिसंबर की हवाओं से रगों में खून की गर्दिश ठहर जाए, जिस्म बेजा हो जाए, तुम्हारी मुंतजिर पलकें झपक जाए, बसा जो ख्वाब आंखों में है वो अरमान हो जाए, बरसों की रियाजत से जो दिल का घर बना है वो फिर से मकान हो जाए। क्या बात है, तुम्हारे नाम की तस्बीह बुला दे धड़कने मेरी, ये दिल नादान हो जाए, तेरी चाहत की खुशबू से बसा आंगन जो दिल का है वो भी वीरान हो जाए। क्या बात, दिसंबर की नन्ही धूप की किरणें शरारतों की तरह मेरा दामन जला डाले, बहुत मुमकिन है फिर दिल भी बर्फ की मानिंद पिघल जाए, मुमकिन फिर भी ये है जाना कि तेरी याद भी कहीं आ बन कर निकल जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, जबरदस्त। दिसंबर और हम तेरी राहों में बैठे तुमको ये आवाज देते हैं कि तुम मिलने चले आओ, दिसंबर में चले आओ। क्या बात है, भी सुपर्ब। अब तो दिसंबर जा रहा है, बाय कर रहा है, बहुत बहुत थैंक्स करेंगे आप सबका। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं कहना ये चाह रही थी कि जितने खूबसूरत अंदाज में आपने पोएट्री सुनाई है, लेकिन आप... मैं था कि एक शायर बैठा मैं नहीं, 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 आपको पता है कि आप मतलब एफएम पे भी आप करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये लाइन ऑन एयर जाए, और ताकि जो सुनने वाली लड़कियां हैं वो उनकी तरफ से एक मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि आपके बारे में मेरी काफी सारी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो शोबिज में भी नहीं है, उन्होंने स्पेशल मैसेज दिया कि हम इजाज के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़ी फैन हैं। आप मानेंगी मुझे आज तक मैं शाम को शो कर रहा हूँ तो 6 से 8 मैंने अनाउंसमेंट भी कर दूं इसी के साथ कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जनवरी से हमारा शो टाइमिंग सब चेंज हो रहा है, और फाइनली रेडियो वापस आऊंगा 10 से 12 के स्लॉट पे, मेरा अपना स्लॉट था, फाइनली अब हमने शिफ्ट करके 10 से 12 पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, नया साल मुबारक आपको भी, नया साल बहुत मुबारक, थैंक यू आपको, और थैंक यू एंड मकर आपको बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने 4 चांद लगाए हमारे गेस्ट का शुक्रिया। कल मिलेंगे नए साल में नई उमंगों से, नई तरंगों से, नए साल तुम जब भी आना सबके लिए बस खुशियां लाना, उम्मीद पे आपको एडवांस में कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आज हम लेके आ रहे हैं आपके, रात को भी कुछ शोज हमारे स्पेशल आ रहे हैं टू वॉच देम, और गाने पे एंडिंग करते हैं आप आ जाओ, और वो लाइन जो करता है अल्लाह करता है अल्लाह, बिल्कुल ठीक है। तो कल का जो शो होने वाला है ना वो बहुत खास होने वाला है, कल खाबा शो है हमारा, द खाबा शो, खाने ही खाने होंगे कल, विंटर्स एंड फूड कल करेंगे, लेकिन वो बातें आज नहीं, कल मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान, कल लौट के आऊंगा, और आ जाओ जल्दी से गाने के। Thank you.